So we are talking about group homomorphism. Simply we can say homomorphism. We know about homomorphism. Now we are going to introduce kernel of homomorphism. Let F is a homomorphism from G to G dash. Okay, where G is a group and G dash is also a group. May have different binary operations. So let F is a homomorphism from G to G dash. This is homomorphism. Then the kernel of homomorphism is denoted and defined by kernel of F, K-E-R-F. This is kernel of F is equal to X belongs to G such that F of X equals to E dash, where E dash is the identity of the G dash. Iska matlab ye hai, G ke aise element jiski image jo hai identity pe ja rahi hai G dash ki. Agar by figure hum isko dekhe, so this is a homomorphism is mapping from G to G dash. Okay, this is mapping suppose. So अगर ये जो एलिमेंट है उसकी मैपिंग जो है ई डैश पे जा रही है, दिस सपोज दिस इज ई डैश, तो ये जितने भी एलिमेंट जो जी के होंगे वो कर्नल ऑफ एफ में आएंगे. दिस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड कर्नल ऑफ एफ. क्लियर है? यानी जी के ऐसे एलिमेंट जिसकी इमेज जो है ई डैश बन रही हो, ठीक, तो वो एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वो कर्नल ऑफ एफ होगा. सिंपल. सो एक नोट लगा लेते हैं. नोट, कर्नल ऑफ एफ जो होगा, यहाँ इजीली आप देख सकते हो दिस इज द सबसेट ऑफ जी, तो कर्नल ऑफ एफ जो होगा इसका सब ग्रुप भी होगा. आप वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगा के चेक कर सकते हैं. सो कर्नल ऑफ एफ इज सब ग्रुप ऑफ जी. जब भी हम कोई एग्जामिनेशन फेस करते हैं, कॉम्पिटिटिव हो या ग्रेजुएशन लेवल का हो, तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं कि वो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म आपसे पूछता है, और वो होमोमॉर्फिज्म क्या क्या हो सकते हैं ये भी पूछ सकता है. तो अगर आपके पास कोई ग्रुप गिवन है, ठीक है, और एक मैप गिवन है उन ग्रुप में, तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, तो आप कैसे जज करेंगे कि कौन सा होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है, ठीक है. तो वो हम पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज क्या होती है. अगर आपको पता चल गई कि होमोमॉर्फिज्म जो होता है इस टाइप से बिहेव करता है, यानी होमोमॉर्फिज्म इज ए फंक्शन जो प्रिजर्विंग कंडीशन को होल्ड करता है, ठीक है, तो वो कंडीशन, उसी कंडीशन से हम प्रॉपर्टीज बनाएंगे जो कि फंक्शन को होल्ड करना चाहिए, तभी आप कहेंगे कि वहाँ पे होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है. अगर कोई उस तरीके का बिहेव करने से मना करता है, दैट मीन्स होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज होल्ड होने से मना करता है, तो हम कह देंगे कि भाई यहाँ पे वो होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म वी कैन डिसाइड द पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एनी ग्रुप जी टू जी डैश. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी हम दो टाइप से स्टडी करेंगे. नंबर एक, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ओके, अंडर होमोमॉर्फिज्म, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप अंडर होमोमॉर्फिज्म. जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है अंडर होमोमॉर्फिज्म, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग होमोमॉर्फिज्म. सो दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी कीप इन योर माइंड. सो प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, सो दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अंडर होमोमॉर्फिज्म. So this is, suppose one, this is the properties of elements under homomorphism. So iski property hai, let F be a homomorphism
फ्रॉम ग्रुप जी टू ग्रुप जी डैश, शॉर्ट में हम लिख लेंगे. सो एफ इज ए होमोमोर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप जी टू जी डैश, दिस इज एफ इज ए होमोमोर्फिज्म. एंड लेट ए बिलोंग्स टू जी, एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, देन दिस इज द प्रॉपर्टीज. नंबर वन, एफ ऑफ ई इक्वल्स टू ई डैश, दैट मीन्स एफ कैरीज द आइडेंटिटी ऑफ जी टू द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश. हियर ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी एंड ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश. ओके. नंबर सेकेंड, एफ ए टू द पावर एन इक्वल्स टू एफ ऑफ ए टू द पावर एन. नंबर थर्ड, एफ ऑफ ए इनवर्स कैन बी रिटर्न एज एफ ऑफ ए का होल इनवर्स. नंबर फोर्थ, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, इट इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए शुड डिवाइड एन. सो वी कैन से ऑर्डर ऑफ इमेज शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ प्री इमेज. दिस इज इमेज ऑफ ए, दिस इज ऑर्डर ऑफ इमेज शुड डिवाइड एन, इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ ए. सो डिवाइड ऑर्डर ऑफ प्री इमेज, ए इज द प्री इमेज ऑफ एफ ऑफ ए. सो हियर दिस इज द इमेज ऑफ दिस एलिमेंट, बट दिस एलिमेंट आर द प्री इमेज ऑफ ई डैश. वी नो दिस इज बेसिक टर्मिनोलॉजी वी आर यूजिंग, इमेज एंड प्री इमेज. सो इट्स प्रूफ, बहुत सिंपल प्रूफ है इनका. सो वन बाय वन प्रूफ करते हैं. प्रूफ सबसे पहले गिवन क्या है हमें, एफ होमोमोर्फिज्म गिवन है. तो ये लिख लेते हैं, लेट एफ बी ए होमोमोर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश, एफ इज ए होमोमोर्फिज्म. सो अगर ये होमोमोर्फिज्म है तो ये कंडीशन होल्ड हो रही होगी, ए बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, ऑफकोर्स फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी. तो अब इतना सा गिवन है, हमें शो करने हैं ये चारों प्रॉपर्टीज. सो द नंबर वन, वी हैव टू शो एफ ऑफ ई इक्वल्स टू ई डैश. इसके लिए लेट बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी, सारा इसी कंडीशन में हम यूज करेंगे जो भी है. बी इक्वल्स टू ई है तो एफ ऑफ ए ई इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ ई. सो एफ ऑफ ए ई इज ए, दिस वन इज एफ ऑफ ए एफ ऑफ ई, सिंस ए ई इक्वल्स टू ए बिकॉज ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी. अब दिस इज द एलिमेंट ऑफ जी डैश, दिस वन इज एलिमेंट ऑफ जी डैश, दिस वन इज एलिमेंट ऑफ जी डैश. सो वी कैन राइट ई डैश इक्वल्स टू एफ ऑफ ई बाय लेफ्ट कैंसिलेशन. अब यहाँ पे ई डैश ही क्यों आया, बिकॉज ये ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ जी डैश. सो ई डैश भी जी डैश का है, तो ई डैश इंटू एफ ए करने पे एफ ए हो रहा होगा, क्योंकि ई डैश भी द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश. सो एफ ऑफ ई इक्वल्स टू ई डैश, ये हमें शो करना था. तो अगर एफ होमोमोर्फिज्म है तो आइडेंटिटी की इमेज हमेशा आइडेंटिटी पे होगी. इसका यूज हम करेंगे आफ्टर द प्रूफ. सो इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे. सेकंड प्रूफ, लेट ए बिलोंग्स टू जी, इट इम्प्लाई ए एन बिलोंग्स टू जी बिकॉज जी इज ग्रुप एंड जी इज क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी. सो एफ ऑफ ए एन इक्वल्स टू एफ ऑफ ए n minus 1 a. So by properties of homomorphism, f of a n minus 1 into f of a. Now again, f of a n minus 1 can be written as f of n minus 1 in n minus 2 into a. This is f of a. So this one is f of a n minus 2 f of a f of a. So
So on continuing, we get f of a, f of a, and so on, f of a, n times or n copies. So this one is f of a to the power n. So second is also proved. Now third, let b equals to a inverse. So f of a inverse equals to f of a inverse. So this is the identity e. This is f of a inverse. So by property 1, f of e always goes to e dash. So this is e dash equals to f of a inverse. So it can be written as f of a ka whole inverse equals to f of a inverse. Okay, this one is inverse of this, and this is the inverse of this. So or easily आप क्या कर सकते हो, f इनवर्स से दोनों तरफ हमने लेफ्ट से ऑपरेट कर दिया, तो f ऑफ a का होल इनवर्स कैन बी रिटन एज f ऑफ a इनवर्स. सिंपल है. सो हियर यहाँ पे f ऑफ a टू द पावर n था. ठीक है, तीन प्रॉपर्टी होल्ड हो गई. एंड फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज सो इम्पोर्टेंट, ऑर्डर ऑफ इमेज शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ प्री इमेज. सिंस order of a equals to n, it is given, then we can write a to the power n equals to e. Then f of a to the power n equals to f of e equals to e dash, because a to the power n equals to e and f of e always assigned to e dash, but this is by 1. But by second, f of a to the power n equals to f of a ka whole power n, this is also e dash, because these both are equal, so this equal to e dash. Then f of a to the power n also equals to e dash. So here f of a to the power n equals to e dash, it imply f of a should divide n by Lagrange. So it imply order of f of a should divide order of a. So theorem is completely proved. The all properties are completely proved. So the a theorem question भी कह सकते हैं, जो kernel होते हैं वो normal होते हैं. Kernel are normal in this, means kernel of f is normal in G, because we already know G, kernel of F is subgroup of G. Its proof, simple proof is ka. So first we need to show kernel of F is non-empty. So think identity, same here. Since E belongs to G and F of E equals to E dash, it imply E must belongs to kernel of F. So kernel is non-empty. Now हमें normal होने की property use करनी है यहाँ पे. By definition normal कैसे होता है, so वो use करना है. So let x belongs to kernel of f. अगर kernel में x है तो ये किस type का होगा, f of x equals to e dash. Now, अब हमें जी एक्स जी इनवर्स भी कर्नल में दिखाना है, तभी हम कर्नल ऑफ एफ को नॉर्मल ऑफ जी कहेंगे. नाउ एफ ऑफ जी एक्स जी इनवर्स फॉर एनी जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, इट इम्प्लाई एफ ऑफ जी एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट एफ ऑफ जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी f of x, this f of g inverse equals to f g ka whole inverse, because we know f of a inverse equals to f of a ka whole inverse,
वे ऑलरेडी प्रूव्ड, दिस इज बाय द प्रॉपर्टी, कितना था हमारा ये प्रॉपर्टी, थर्ड था. सो हियर एफ ऑफ जी, एफ ऑफ एक्स इज ऑलरेडी वी नो ई डैश, दिस इज एफ जी का होल इनवर्स. सो दिस इज एफ जी एंड एफ जी का होल इनवर्स, दिस इज ऑल्सो ई डैश. सो एफ ऑफ जी एक्स जी इनवर्स का जो इमेज है वो ई डैश आ रहा है. सो इट इम्प्लाई जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी कैपिटल. सो द कर्नल ऑफ एफ इज नॉर्मल इन जी. सो सिंपल. नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी और रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ, बोथ आर सेम थिंग्स. सो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी, द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी अंडर एफ इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू जी डैश सच दैट ए बिलोंग्स टू जी. दिस इज नथिंग बट रेंज ऑफ एफ, और देयर इज एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, सो वी कैन से रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म. नोटेड हियर इफ एफ इज ऑन टू देन जी डैश इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी. वाई सो? बिकॉज अगर ऑन टू है तो एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी डैश हो जाएगा. तो एफ ऑफ जी को तो हम कहते ही है कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी है, तो एफ ऑफ जी जी डैश के इक्वल है, तो हम जी डैश को कह सकते हैं दिस इज द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी. अगर एफ आपका ऑन टू है, बाई डाइग्राम वी कैन लुक हियर, दिस इज जी, दिस इज जी डैश. इफ द इमेज ऑफ जी अंडर एफ इज दिस, देन दिस इज नॉन एज एफ ऑफ जी, और दिस इज नॉन एज रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, रेंज ऑफ फंक्शन. हियर नोट दिस वन इज नॉट वन, सपोज दिस इज नॉट सेकेंड. एफ ऑफ जी इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश, बिकॉज एफ ऑफ जी इज सबसेट ऑफ जी डैश, सो इट इज ए सब ग्रुप ऑफ जी डैश. ईजी प्रूफ है ये, आप इजीली कर सकते हैं. जैसे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज सब ग्रुप ऑफ, देख चुके हैं. अब ये सेकेंड में क्या है, इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, दैट इज रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी. दिस इज ऑल्सो द सब ग्रुप ऑफ जी डैश. आई ऑल्सो रिकमेंड यू प्लीज यूज द वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट. सो इसका प्रूफ चलिए मैं कर देता हूँ, ठीक है. कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म का प्रूफ आप खुद करिएगा कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म जीव का सब ग्रुप होता है, ये वहाँ पे शो करना था. हियर सिंपल, सबसे पहले अगर इसका हमें शो करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एफ ऑफ जी को नॉन एम्प्टी शो करना है. सो थिंक अबाउट द आइडेंटिटी. सो आइडेंटिटी ऑफ जी डैश इज ई डैश बिलोंग्स टू जी डैश. ओके, सो वी नो ई डैश इक्वल्स टू एफ ऑफ ई, सो एफ ऑफ ई बिलोंग्स टू एफ ऑफ जी, सो एफ ऑफ जी इज नॉन एम्प्टी. सो टेक टू एलिमेंट y belongs to f of g. अगर ये x और y f of g के एलिमेंट है तो ये किस टाइप से होंगे, सॉरी x equals to f of a और y equals to f of b टाइप के होंगे. सो x y इनवर्स अगर f of g में आ गया तो मैं कहूँगा f of g इज ए सब ग्रुप ऑफ g डैश. सो दिस इज f of a, दिस इज f of b का इनवर्स है ना. So this one is f of a, this is f of b inverse, because the f is a homomorphism and we used property third. So is equal to f of a b inverse, because the by the properties of homomorphism. So this belongs to f of g, because
A B inverse belongs to G, and G is here group. So A B inverse belongs to G. So it imply if this belongs to f of g, so x y inverse belongs to f of g. So by one step subgroup test, this f g is subgroup of g dash.